नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप लोगों का सिद्धार्थ लाइव परिवार में। मेरा नाम है सिद्धार्थ शुक्ला, मैं कर रहा हूँ मास्टर्स फ्रॉम एनआईटी तिरची। जैसे कि आप लोगों ने ऑलरेडी थंबनेल में देख लिया होगा, क्यों हम एनआईटी तिरची को प्रेफर करें आईआईटीज के ऊपर प्लेसमेंट्स के लिए, एमटेक के लिए स्पेशली। ऑलरेडी हमें पता है जैसे कि इंडिया में बहुत सारी एनआईटीज खुली हुई है। आप किसी भी एनआईटी का जाके प्लेसमेंट स्टेट्स चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा बीटेक का प्लेसमेंट हर जगह होता है। अप्रोक्सीमेटली 80% से ज्यादा बीटेक तो प्लेस हो ही जाता है, पर मजा तो तब आता है जब एमटेक का प्लेसमेंट हो। और आप जाके एनआईटी तिरची की प्लेसमेंट की वेबसाइट में देखेंगे, वहां सबसे ऊपर ही एक लाइन लिखी है कि इंडिया का बेस्ट कॉलेज है पीजी प्लेसमेंट के लिए। हमारे यहाँ पे टोटल 40 डिफरेंट ब्रांचेस चलती हैं एमटेक के अंदर, और उनके अगर आप प्लेसमेंट स्टेट्स देखेंगे तो हर ब्रांच का प्लेसमेंट स्टेट्स मिनिमम 80% से ऊपर और मोस्ट ऑफ देम के 90% से ऊपर है। तो इसके पीछे कुछ रीजंस हैं और उन रीजंस को डिस्कस करने के लिए आज मैं आप लोगों के सामने आया हूं इस वीडियो को लेकर, जिससे आपको एक क्लैरिफिकेशन मिल जाए कि एनआईटी तिरची को प्रेफर करना है तो क्यों करना है और वो कितना अलग है आईआईटी लैब और अनअकैडमी लेकर आए आप लोगों के लिए गेट ईएससी कॉम्बैट। 6 मार्च को होने वाला ये कॉम्बैट, 11 बजे सुबह होगा। यहां पर 60 मिनट के अंदर आपको 20 क्वेश्चन करने होंगे। ये जो कॉम्बैट है वो 5 ब्रांचों के लिए है। इसके अपार्ट फ्रॉम यहाँ पर 4 करोड़ की स्कॉलरशिप आप लोग ग्रैब कर सकते हो। अगर आपकी रैंक 1 से 3 के बीच में आती है तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। 4 से 10 के बीच में आपको 75%, 11 से 50 के बीच में 50% स्कॉलरशिप, और 51 से 500 के बीच में 25% स्कॉलरशिप। आप इसको एनरोल कर सकते हो, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अगर आप मेरा कोड यूज करोगे तो आप लोग इसे फ्री में एनरोल कर लोगे, दैट इज SID12334। यहाँ पर आया है बाइलिंगुअल सिविल का बैच H। 2 मार्च से ये बैच स्टार्ट होने वाला है एसेंट गेट 2024 के लिए। अब शिव कुमार सर यहाँ पर पहला सब्जेक्ट लेने वाले हैं। यहाँ पर स्टार्ट हुआ है इवॉल्व बैच केमिकल का, बाइलिंगुअल बैच F। केमिकल का जनरली आपको कहीं नहीं मिलेगा, कोई कोचिंग्स भी इतना ज्यादा केमिकल के लिए प्रिपेयर नहीं कराती हैं। देवेंद्र नेगी सर यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाने वाले हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल बैच है एसेंट का गेट 2024 के लिए। बाइलिंगुअल बैच है यहाँ पर नेटवर्क थ्योरी, आदित्य कनवाल सर पढ़ाएंगे 1 बजे से 2 मार्च से। इसके साथ साथ यहाँ पर ईसी का और मैकेनिकल का भी बाइलिंगुअल बैच आया है 2 मार्च से। और इन सारे बैचेस की जो लिंक्स है उनको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया गया है, आपको बस मेरा कोड यूज करना है और आप 10% का डायरेक्टली यहाँ पर ऑफर ग्रैब कर सकते हैं। चाहिए जल्दी से जाके लॉग इन करो। चलिए पहले रीजन की बात करते हैं, इसका है एलुमनाई बेस। एनआईटी तिरची जैसे आप लोग पता है 1960s के टाइम में ओपन हुआ था। ये कॉलेज एक आरईसी था, आरईसी का मतलब होता है रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज। तो उस समय ये बहुत ज्यादा पॉपुलर था और वहीं से इसका नाम बनते आ रहा था। मतलब ऑलरेडी यहाँ के जो एलुमनाइज है वो आप इंडिया के किसी भी, वर्ल्ड की किसी भी कंपनी में देखेंगे तो आपको यहाँ के एलुमनाइज देखने को मिलेंगे। तो एनआईटी तिरची का जो एलुमनाई बेस है ये बहुत बड़ा है, जिस वजह से हम लोगों को फायदा मिलता है। बहुत सारी कंपनीज हमारे कॉलेज के लिए डायरेक्टली आती हैं, तो इस एलुमनाई बेस का हम लोगों को बहुत फायदा मिलता है और जिससे बहुत ज्यादा बच्चा प्लेस होता है। दूसरा रीजन होता है यहाँ का ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल अगर आप देखेंगे, इसकी बिल्डिंग को आप कभी देखिएगा, मैंने कैंपस टूर में कवर की हुई है। यहाँ मतलब इंडिया की जो सबसे बड़ी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट की बिल्डिंग है वो हमारे यहाँ है। अगर आप हमारे यहाँ पे टीपीओ को देखेंगे तो टीपीओ में जो अभी टीचर्स हैं, जो अभी इसको हेड कर रहे हैं, वो उनके जो रिलेशंस है विद द बहुत सारी कंपनीज के साथ वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। सेकंड चीज आती है यहाँ के स्टूडेंट्स। यहाँ के टीपीओ में स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। हर डिपार्टमेंट का एक प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है जो कंपनीज को लाने में हेल्प करता है, एचआर के साथ कम्युनिकेट करता है और कंपनीज को प्लेस कर, बच्चों को प्लेस कराने में उनका बहुत बड़ा रोल रहता है। एनआईटी तिरची में कोर का प्लेसमेंट भी बहुत ज्यादा अच्छा है और नॉन कोर का भी बहुत अच्छा है। बहुत सारे कॉलेजेस में क्या होता है, नॉन कोर का बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है पर कोर का उतना अच्छा नहीं होता। पर अगर आप एनआईटी तिरची में देखेंगे तो हर वो कोर कंपनी जो आपने सुनी होगी वो एनआईटी तिरची में प्लेस करने आती है, चाहे फिर वो विदेशी कंपनी हो चाहे इंडियन कंपनी हो। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है उनका भी बहुत बड़ा रोल है, जो पीआर से उनका एक बहुत बड़ा रोल है हेल्प करने। थर्ड चीज आती है यहाँ पर जो टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, मॉक इंटरव्यूज होते हैं बच्चों को प्रिपेयर कराने के लिए। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है यहाँ पर सीनियर्स का और टीपीओ का। यहाँ बच्चों के लिए पूरे सेकंड सेमेस्टर यहाँ पर टेस्ट कंडक्ट होते हैं, उनको रिटन टेस्ट के लिए प्रैक्टिस कराया जाता है। अगर जिनके भी सर्किटल ब्रांचेस है तो उनके लिए कोडिंग टेस्ट भी रखे जाते हैं। जिनकी नॉन सर्किटल ब्रांच है, जो कोर में जाना चाहते हैं, उनकी उनकी ब्रांच के अकॉर्डिंग, उनकी बीटेक की ब्रांच के अकॉर्डिंग यहाँ पर टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं। इसके साथ साथ सीनियर्स जो होते हैं हमारे वो जीडी लेते हैं, इंटरव्यूज लेते हैं और बच्चे को इंटरव्यू का वाला माहौल देते हैं और उनको उस लेवल तक प्रिपेयर कराते हैं। सारे लोगों का बहुत बड़ा रोल हो जाता है, जैसे एलुमनाई बेस का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, यहाँ पर टीपीओ का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं जो टीपीओ में काम कर रहे हैं प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेटिव उनका भी बहुत बड़ा रोल है, और इसके साथ साथ यहाँ पे सीनियर्स का भी बहुत बड़ा रोल है एनआईटी तिरची के अंदर। अब हम यहाँ पे एक और रीजन की बात करेंगे, इंडस्ट्री स्पेसिफिक ब्रांचेस। एनआईटी तिरची क्यों फेमस है, अगर आप एनआईटी तिरची के अंदर ब्रांचेस देखेंगे तो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक ब्रांचेस हैं,
जैसे अगर आप देखेंगे इंडस्ट्रियल सेफ्टी इंजीनियरिंग, ये ब्रांच आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। ये ब्रांच हमारे कॉलेज में खुली हुई है एमटेक के लिए स्पेशली। तो यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज आती हैं सेफ्टी और हेल्थ से रिगार्डिंग, मेंटेनेंस के रिगार्डिंग डिपार्टमेंट्स के लिए हायरिंग करने। एनडीटी ब्रांच, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, ये ब्रांच भी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ पर ये ब्रांच है जबकि इसका 100% प्लेसमेंट होता है। इसके साथ साथ इंडस्ट्री स्पेसिफिक में वेल्डिंग ब्रांच आपने कहीं नहीं देखी होगी, वेल्डिंग ब्रांच हमारे यहाँ पर है। ठीक है, डिजाइन ब्रांच हर जगह है पर डिजाइन ब्रांच हमारे नहीं, हमारे आईईएम ब्रांच है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, जो बहुत ही स्पेसिफिक हर जगह नहीं होती है। जैसे बहुत सारे कॉलेज में देखा है पावर सिस्टम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंबाइंड ब्रांच होता है, पर हमारे यहाँ स्पेशली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक डिफरेंट ब्रांच बनाई गई है। हमारे यहाँ डेटा साइंस से रिगार्डिंग डेटा एनालिटिक्स एक अलग ब्रांच है। तो इस तरीके से इंडस्ट्री स्पेसिफिक ब्रांचेस भी हमारे हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन बन जाता है प्लेसमेंट्स के लिए। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कब आपको आईआईटी प्रेफर करने हैं, कब आपको एनआईटी प्रेफर करना है। देखिए, अगर आपको आईआईटीज की टॉप ब्रांचेस ऑफर हो रही हो, ओल्ड आईआईटीज की बात कर रहा हूं, तो आप उन्हें चूज कर सकते हो। अगर आपकी लोअर ब्रांचेस आपको ऑफर हो रही हो तो आप एनआईटी त्रिची को प्रेफर करिए, क्योंकि एनआईटी त्रिची के हर ब्रांच में बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। अंतर कहां आता है, जैसे अगर आप ओल्ड आईआईटीज में जाएंगे तो ओल्ड आईआईटीज में बहुत अच्छी अच्छी कोर कंपनीज आती हैं जिनका पैकेज बहुत ज्यादा रहता है, पर एनआईटी त्रिची में भी कुछ कंपनीज आती है जिनका पैकेज बहुत अच्छा रहता है, पर एवरेज जो कंपनीज आती है कोर में उनका पैकेज 7-8 के आसपास रहता है। कुछ बड़ी बड़ी कोर कंपनीज है जिनके पैकेजेस बहुत ज्यादा है, पर आईआईटीज में मैंने देखा है लोअर ब्रांचेस के लिए कंपनी ही नहीं आती है, लोअर पैकेज की तो और एवरेज पैकेज की तो बात ही छोड़ो। ठीक है, तो अगर अपर ब्रांच अगर आईआईटी की ऑफर हो रही है ओल्ड आईआईटी की तो आप ले लीजिए, अगर आपको लोअर ब्रांचेस ऑफर हो रही हो तो आप एनआईटी त्रिची को प्रेफर करिए, एनआईटी त्रिची को प्रायोरिटी दीजिए। कंपेयर टू अगर मैं आपको बताऊं अदर एनआईटी से, तो एनआईटी त्रिची का अगर आपको कोई भी ब्रांच मिल रही है तो आप उसको प्रेफर कर सकते हो। हर ब्रांच का यहाँ प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, नॉन कोर में तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है प्लेसमेंट यहाँ पर। तो ये सारे रीजन थे जिस वजह से मैं आपको बता रहा था कि एनआईटी त्रिची क्यों प्रेफर करना चाहिए आपको आईआईटीज के ऊपर। आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।